रिमोट कंट्रोल रोबोट ट्रक। स्नेहा और समीर चिंता में थे। स्नेहा के पापा उनके शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे। वो परेशान थे कि उन्हें कैसे मनाए, क्योंकि समीर वैसे तो अच्छा लड़का था पर बेरोजगार था और उसके पापा का रिमोट कंट्रोल रोबोट का बिजनेस था। समीर, कैसे भी करके पापा को मनाओ ना, मुझे सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। मैं क्या करूँ स्नेहा, तुम्हारा बाप, मेरा मतलब है पापा, को मेरे फीलिंग्स से ज्यादा उन टीन के डिब्बों की पड़ी रहती है। जब भी उनसे शादी की बात करने जाता हूँ, वो मुझे नीचा दिखाकर उन रोबोट्स की तारीफ करने लगते हैं। साला, मेरी तो उनके सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। डिस्गस्टिंग। समीर की बात सुन स्नेहा हंसने लगी और उसे चिढ़ाने लगी, जिसे देख वो और परेशान हो गया और टेंशन में उसने कुछ ठान लिया। एक बात बताओ स्नेहा, रोज एक बड़े से ट्रक में वो टीन के डिब्बे तुम्हारे यहाँ लाए जाते हैं ना, और फिर उन्हें बेचा जाता है, राइट? हाँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? बस अब तुम देखती जाओ मैं कैसे तुम्हारे घर में एंट्री लेता हूँ। समीर खुद को रोबोट जैसा बनाकर उस रोबोट ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक में बाकी रोबोट्स के पास जाकर खड़ा हो जाता है। स्नेहा के पापा अपने वर्कर्स की हेल्प से उन सारे रोबोट्स को एक एक करके अपने घर में ही बने गोडाउन में रखवा रहे थे कि तभी उनकी नजर समीर पर पड़ी। अरे, बाकी सारे रोबोट्स तो एक जैसे हैं, पर ये कुछ अलग दिख रहा है। लगता है स्पेशल है ये, और डीलर ने इसे गलती से यहाँ भेज दिया। अब वापस करने का क्या मतलब, इसे अपने घर पर रखवाता हूँ, बाद में अच्छे दामों में बेचूंगा। यहाँ उनकी बात सुनकर ही समीर खुश हो गया, पर उसने ऐसा अपने चेहरे पर बिल्कुल आने नहीं दिया। क्या करता, एक अच्छा रोबोट जो बनना था उसे। तभी एक वर्कर वहाँ से कहता है, साहब, इसे किस कमरे में रखना है? इसे मेरे कमरे में रखवा दो, वही सही रहेगा। ससुर जी के कमरे में यह सुनकर ही उसकी सिट्टी विट्टी गुम हो गई और अब कुछ करने लायक बचा ही नहीं था उसके पास। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी। वर्कर्स ने उसे पापा के कमरे में जाकर रख दिया। कहाँ फंस गया मैं, वैसे अच्छा ही है, ये अच्छा मौका मिला है ससुर जी से बदला लेने का, आज इनकी नींद उड़ा कर ही रहूंगा। वर्कर्स जा ही रहे थे कि पापा ने उन्हें आवाज लगाई और रोक लिया। अरे सुनो, वो गोडाउन में टेक्नीशियन होगा, उसे यहाँ भेज दो और बोलो इस रोबोट को भी अच्छे से चेक कर ले, एक एक पार्ट्स ठीक से चेक करने के लिए बोलना। पर साहब, टेक्नीशियन तो आज आए ही नहीं, वो कल आकर कर देंगे, अभी मैं भी चलता हूँ। ससुर जी की बात सुनते ही समीर की जैसे धड़कने ही रुक गई कि अब उसकी पोल खुल जाएगी, पर वर्कर की बात सुन रुकी हुई धड़कन फिर से चलने लगी। उसने मन ही मन टेक्नीशियन और वर्कर को थैंक यू कहा और वैसे ही वहां शांत पड़ा रहा। उफ, ये टेक्नीशियन भी कमबख्त बहुत छुट्टी लेने लगे हैं। चलो कोई नहीं, अभी मैं मस्त नहा के आता हूँ, दिन भर की भाग दौड़ी से थक गया हूँ। ससुर जी नहा कर आए और बड़े ही बेसुरे आवाज में गाना गाने लगे और अजीब तरह से नाचने लगे, जिसे देख समीर की हंसी छूट रही थी, पर बड़े ही जतन से वो खुद के हंसी पर कंट्रोल किए था। यहाँ मैं इन्हें तंग करने आया हूँ कि ये मुझे टॉर्चर करने लाए हैं। शिट, ये सब देख बस अब उल्टी आनी बाकी है। ये सुगम संगीत चल ही रहा था कि तभी कुछ वर्कर्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। स्नेहा भी अपने कमरे से बाहर आई और ससुर जी भी देखने चले गए कि माजरा क्या है। क्या हुआ, ये कैसी चिल्लम चिल्ली है? साहब, वो गोडाउन में वो कुछ रोबोट्स बेकाबू हो गए हैं और तबाही मचा रहे हैं, काफी सारी तोड़फोड़ कर दी, वर्कर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। क्या, ये कैसे हुआ? ओ, लगता है डीलर ने डैमेज रोबोट्स भिजवा दिए, ऊपर से आज टेक्नीशियन भी नहीं आया, क्या करूं? समीर अंदर से सब कुछ सुन लेता है और तुरंत बाहर आकर अपने होने वाले ससुर जी को संभालता है। स्नेहा, तुम पापा को कमरे में लेकर जाओ, यहाँ मैं सब संभालता हूँ। अरे तुम तो वो रोबोट तुम, हे भगवान, आज का दिन ही मनुष्य है,
निकल जाओ यहाँ से। पापा वो बोल रहा है ना कि सब संभाल लेगा, आप चलिए अंदर। स्नेहा पापा को अंदर ले गई और समीर गोडाउन की तरफ निकल पड़ा। उनसे बड़े समझदारी से काउंटर की तरफ छलांग लगाई, पर तब तक एक रोबोट ने फेंका हुआ कुछ सामान उसके पैरों के पास आकर गिरा। बचते बचाते वो काउंटर तक पहुंच गया और उसने वहां से रोबोट्स के रिमोट उठा लिए और एक एक कर उन्हें आजमाने लगा। काफी कोशिशों के बाद कुछ रिमोट काम कर गए और तबाही मचाने वाले रोबोट्स डीएक्टिवेट हो गए। इन टीन के डिब्बों ने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। जाओ अपने साहब को बताओ यहाँ सब ठीक है। वर्कर तुरंत स्नेहा और उसके पापा को वहां ले आता है। वहां का नजारा देख पापा के आंखों में पानी आ जाता है। उनकी कमाई, उनकी मेहनत सब बर्बाद हो चुके थे, पर जैसे ही उनका ध्यान समीर पर गया, थैंक यू समीर बेटा, आज अगर तुम ना होते तो माल के साथ साथ जान का भी नुकसान हो जाता। तुमने मेरी, मेरे बेटी की और मेरे वर्कर्स की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आगे से आप इन टिन के डिब्बों से ज्यादा इंसानों को महत्व देंगे। समीर की बात वो मान लेते हैं, पर वो उससे ये भी पूछते हैं कि उसने ये सब किया कैसे। तब वो बताता है कि जब डीलर ट्रक में रोबोट्स रखवा रहा था तभी उसने ड्राइवर से कहा था कि इमरजेंसी आने पर साथ में दिए हुए रिमोट से उन रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर दो, पर वो ड्राइवर ये बात आपको बताना भूल गया। मैं उसी ट्रक में था इसलिए मुझे याद रहा। थैंक यू बेटा, दिल से थैंक यू। मेरी स्नेहा को और मेरे इस बिजनेस को संभाल लेने के लिए तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हुए। ऐसा कहकर उन्होंने स्नेहा और समीर को गले लगा लिया और बहुत जल्द ही उन दोनों की शादी कर दी। मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट कार। ऐसे ही धरती के मध्य में एक छोटा सा द्वीप था जहां दो सैतानी जादूगर भाई रहते थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे। दोनों भाई अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए नए नए काली शक्तियों का पूजा किया करते थे। एक दिन छोटा भाई कहता है, भैया अगले हफ्ते अमावस्या 200 साल के बाद आ रही है, हमें इस बार नहीं झुकना। तुम सही कह रहे हो, इस बार अगर हमारी ये पूजा सफल हो गई तो हम इस दुनिया की सबसे अमर शक्तिशाली जादूगर बन जाएंगे। हमें इस बार बलि देने के लिए 12 लड़कों की जरूरत है जो 12 तारीख को पैदा हुआ हो। तुम एक एक करके उन्हें इकट्ठा करते जाओ, मैं पूरे यज्ञ की तैयारी करता हूँ। ठीक है भैया, मैं आज रात से ही जाकर लड़कों को इकट्ठा करना चालू करता हूँ। दूसरे दिन से ही छोटा जादूगर उड़कर एक छोटे से गांव में उतरता है और अपने जादुई छड़ी से पता करता है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक लड़के को जादू से छोटा बनाकर अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही वो दूसरे मोहल्ले से दूसरे लड़के को ले जाता है। दूसरे दिन जब दोनों बच्चों के परिवार वाले देखते हैं कि उनका बच्चा नहीं है तो वो जाकर सरपंच से मिलते हैं। एक बच्चे के पिताजी कहते हैं, सरपंच जी मेरा और कालू का लड़का कल रात से नहीं मिल रहा है, हमने पूरा गांव ढूंढ लिया। अच्छा ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, मैं पुलिस को अभी खबर दे देता हूँ, आप दोनों का बेटा मिल जाएगा। फिर सभी घर चले जाते हैं। उसी रात वो छोटा जादूगर फिर आता है और दो लड़कों को उठा ले जाता है। तीसरे दिन भी वो ऐसा ही करता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए संजय नाम का आदमी देख लेता है। और सुबह सुबह जब सभी सरपंच के घर होते हैं तब संजय वहां दौड़ते हुए जाता है और कहता है, सरपंच जी मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहा है। तूने पहले क्यों नहीं बताया रे? मैंने भी कल रात को ही देखा, रात को एक जादूगर एक लड़के को जादू से छोटा कर दिया और अपने साथ ले गया। पास में खड़ा गिरधर उसकी बातों को सुनकर कहता है, अरे चल रे, तू भी क्या बात करता है, आज के समय में ऐसा शैतानी जादूगर होता है क्या? नहीं,
संजय सही कह रहा होगा, क्योंकि एक के बाद एक हमारे गांव में 6 बच्चे गायब हो गए हैं और पुलिस वालों को भी किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला है। तो आप ही बताइए सरपंच जी, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप लोग चले जाइए, मैं कुछ करता हूँ। सरपंच किसी को फोन करता है और दूसरे दिन वहाँ पर 2 लोग आते हैं, एक का नाम शिवा और दूसरे का काशी था। सरपंच कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसी मुसीबत आ गई है जिसका छुटकारा सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो। ऐसा कहकर सरपंच उनको सारी बातें बता देता है। शिवा कहता है, आप चिंता ना करिए सरपंच जी, हम सब देख लेंगे। फिर दोनों शिवा और काशी जो भी बच्चे का जन्म 12 तारीख को होता है उस बच्चे को हटाकर वहां खुद सो जाते हैं। फिर उस जादूगर का इंतजार करते हैं और कुछ देर बाद वो छोटा जादूगर आकर दोनों को अपने साथ ले जाता है और उनको तहखाने में बंद कर देता है। बड़ा जादूगर कहता है, आज कितने को लेकर आया है? भाई आज मैंने 2 लड़के को लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, अब चलो मेरे साथ जंगल, हमें बहुत सारे सामान लेकर आना है। ऐसा कहकर दोनों जंगल चले जाते हैं। इधर दोनों शिवा काशी सभी बच्चों को छुड़ा लेते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी उनकी नजर जादूगर की छड़ी पर पड़ती है। काशी कहता है, शिवा देख सामने, उस जादूगर की छड़ी पड़ी हुई है, उसको जल्दी से उठा ले, उसमें बहुत शक्तियां है, हम उसके माध्यम से सारे बच्चों को एक ही बार में घर पहुंचा सकते हैं। शिवा काशी जल्दी से छड़ी को चुरा कर जादूगर के घर से बाहर निकलते हैं। और एक बहुत बड़ा मैजिकल कार बनाते हैं। शिवा काशी और सभी बच्चे उस कार में बैठकर गांव आ जाते हैं। फिर सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। जब दोनों जादूगर भाई अपने घर में आकर देखते हैं तो कोई भी बच्चा नहीं दिखता और साथ ही उसके एक जादुई छड़ी भी नहीं रहती। दोनों जादूगर को बहुत गुस्सा आता है और दोनों उड़कर गांव निकल आते हैं। गांव पहुंचते ही दोनों अपने जादू से एक बहुत बड़ा दानव बनाते हैं और तीनों मिलकर पूरी गांव में तबाही मचा देते हैं। कई लोगों के घर तबाह कर देते हैं। वो दानव गांव के गाय बैल बकरियों को खा जाता है और दोनों भाई कई घरों में आग लगा देते हैं और उन सभी लड़कों को ढूंढते हैं जो भाग गए थे। इधर सरपंच और कुछ लोग जल्दी से शिवा काशी के पास जाते हैं। सरपंच कहता है, तुम लोगों ने जिस जादूगर से बच्चों को बचा लाए हो वो जादूगर पूरे गाँव में तबाही मचा रहे है, उन्होंने आधे गाँव को तो तबाह कर दिया। आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे। फिर शिवा काशी अपने द्वारा बनाए मैजिकल कार में बैठकर उनके पास जाते हैं। शिवा कहता है, हे जादूगर, हम तुम्हें पहली और आखिरी चेतावनी देते हैं, जल्दी से चले जाओ नहीं तो खामखा मारे जाओगे। दोनों जादूगर हंसते हैं। तुम दोनों को लगता है तुम हमारे उस एक जादुई छड़ी से हमको हरा दोगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा तुमको ऐसा लगता है? तुम ये भूल गए कि हमारे पास जादू के साथ साथ विज्ञान भी है। फिर शिवा उस जादुई छड़ी से मैजिकल कार को एक बहुत बड़ा रिमोट कंट्रोल रोबोट में बदल देता है। और शिवा रोबोट का रिमोट काशी को दे देता है जिससे काशी छोटा जादूगर और उस बड़े दानव से लड़ाई करता है और शिवा खुद जादुई छड़ी से बड़ा जादूगर से लड़ाई करता है। सभी बहुत समय तक लड़ाई करते हैं। बड़ा जादूगर और शिवा दोनों का छड़ी समान शक्ति होने के कारण बहुत देर तक लड़ाई के बाद भी कोई किसी को चोट नहीं पहुंचा पाते। लेकिन इधर काशी उस रिमोट कंट्रोल रोबोट से दानव और छोटा जादूगर हमले पे हमले करते हैं और रोबोट उस बड़े दानव में बहुत लड़ाई होती है। लेकिन कुछ ही देर में वो मैजिकल रोबोट दानव को मार डालता है और फिर मैजिकल रोबोट एक के बाद एक हमला कर छोटा जादूगर को घायल कर देता है और वो नीचे आकर गिरता है, जिसे देख बड़ा जादूगर जोर से चिल्लाता है, अरे मेरे छोटे भाई, तुम दोनों ने मेरे छोटे भाई को इतना चोट पहुंचाया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन। ऐसा बोलकर वो छोटा जादूगर को लेके गायब हो जाता है।
फिर अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सरपंच कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उनको भगाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जादूगर फिर से आ जाएंगे। आप सही बोल रहे हैं, वो फिर से वापस आएंगे, इस कारण हम लोग यही जब तक उनका खात्मा ना कर ले यही रह लेंगे। फिर सभी शिवा काशी का धन्यवाद करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर। रामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का बहुत ही मेहनती व्यक्ति रहता था। मोहन पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर था। एक दिन अचानक एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट गया। हे भगवान, ये क्या किया आपने, मुझे अधमरा क्यों छोड़ दिया, अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा। भगवान, कैसे अपना घर चलाऊंगा और कैसे अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा। तभी मोहन का बेटा प्रिंस, और वो अपने पापा से कहता है, अरे ये क्या पिताजी, आप रो रहे हो, आप तो मेरे हीरो हो हीरो। नहीं बेटा, मैं किसी काम का नहीं रहा, अब तुम्हारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी, अपने पिताजी की निशानी ट्रैक्टर को अब मैं कभी नहीं चला पाऊंगा। चुप हो जाइए पिताजी, आप फिर से ट्रैक्टर चला पाएंगे, मेरी पढ़ाई कब काम आएगी। और प्रिंस अपने बचे हुए पैसों से दूसरे दिन कुछ गैजेट खरीद कर लाता है और अपने पिताजी के पुराने ट्रैक्टर को जादुई इलेक्ट्रॉनिक मिनी ट्रैक्टर में बदल देता है। उसके पिताजी ट्रैक्टर को देखते ही चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या खिलौना बना दिया मेरे ट्रैक्टर को। ये जादुई मिनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है पिताजी, जो इलेक्ट्रिक से चलती है, अब आपके पैर ना होने का दुख कभी नहीं होगा। और हाँ, इसके साइड पर मत जाना, यह ट्रैक्टर कई टन माल से भरा ट्रॉली भी खींच सकता है। उसके पिताजी आंख में आंसू लेकर उससे कहने लगे, जुग जुग जियो मेरे लाल, तू तो सच में इंजीनियर बन गया आज। प्रिंस के मिनी ट्रैक्टर को देखकर पास के दो बच्चे उसे छूने आते हैं, और जैसे ही बच्चे ट्रैक्टर को छूते हैं, पिताजी फिर चौंक जाते हैं। देखा पिताजी, इसे कोई चोरी भी नहीं कर सकता, इसमें अलार्म जो लगा हुआ है। अगले दिन मोहन और प्रिंस ट्रैक्टर के पास जाते हैं, और मोहन जैसे ही ट्रैक्टर में बैठकर लाल बटन दबाता है, ट्रैक्टर के साइड में लगे रॉकेट से आग की चिंगारी निकलने लगती है। मोहन कहता है, अरे बचाओ बचाओ प्रिंस बेटा, ये क्या हो रहा है ट्रैक्टर में, ये आग कैसे लग गई। डरिए मत पिताजी, यही तो जादुई ट्रैक्टर का कमाल है, अभी आपको अपने दुश्मनों से डरने की भी जरूरत नहीं है, मेरी गैर हाजिरी में ये जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर ही आपका बेटा बनेगा। ठीक है बेटा, अब तू जा और अच्छे से पढ़ाई कर, मुझे ट्रैक्टर के पास छोड़ दे। इन सभी बातों को पड़ोस में रहने वाले मिश्रा जी सुनते रहते हैं, जो कि एक नंबर के जलनखोर आदमी थे। वो कहते हैं, अरे इस लंगड़े के बेटे ने तो सच में बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर बनाया है, लेकिन ये ट्रैक्टर मेरे पास क्यों नहीं है। कोई बात नहीं, इसे मैं चुरा लेता हूँ। को मिश्रा मोहन का मिनी ट्रैक्टर चुराने जाता है, और जैसे ही वो उस ट्रैक्टर को छूता है, वहां से बहुत बड़े बड़े चिंगारी निकलने लगती है और मिश्रा को बहुत पटक पटक कर मारता है, और तेज बिजली के झटके से मिश्रा का पूरा शरीर काला हो जाता है, जिससे मिश्रा बहुत शोर करता है, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे मोहन प्रिंस इधर आओ, कोई तो बचा लो। मोहन और प्रिंस घर से चुपके से ये सब देखते रहते हैं, लेकिन बचाने कोई नहीं जाता। प्रिंस कहता है, देखा पिताजी, हमारे जादुई मिनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को कोई नहीं चुरा सकता। इतना मार खाने के बाद मिश्रा का हालत बहुत खराब हो जाता है और वो लंगड़ाते हुए घर को चला जाता है। मिश्रा रोते हुए कहता है, बच गया रे मिश्रा, तू बच गया आज, नहीं तो आज तेरा राम नाम सत्य हो जाता था, पूरा शरीर का अंजर पंजर ढीला हो गया, रे बच गया। फिर दूसरे दिन से मोहन उस मिनी ट्रैक्टर को कामों में इस्तेमाल करता है। इस तरह मोहन पैर के कटने के बावजूद
जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर के जरिए पैसे कमाने लगा और प्रिंस पढ़ाई खत्म करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।